हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो क्या होता है ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? सो इंट्रोडक्शन मैं रीड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊँगा एंड सम स्टार्ट करेंगे हम। If an experiment results only in two ways, success and failure, and if the probability of success remains the same in each trial, then for finding out the probability of x successes out of n independent trials, we use binomial distribution. जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी हर बार में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है और उसके टू ही आउटकम्स होते हैं, एक सक्सेस और दूसरा फेल्यूअर, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हाइपर ज्योमेट्रिक का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है टू साइड्स होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। हम जितनी बार भी ट्राई करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स लेंगे, हमारा हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी और वो होगी 1/2। सो ऐसे जो सम्स होते हैं उसमें हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ किया जाता है। नाउ फॉर्मूला फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी फॉर्मूला यूज होंगी? तो एक होगी फर्स्ट फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल्स टू एम सी एक्स इंटू एन सी आर माइनस एक्स डिवाइड बाई एम प्लस एन सी आर। एक ये फॉर्मूला है वेयर आर इक्वल्स टू टेकन एंड एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेसेस। दूसरा मीन का फॉर्मूला है m इंटू आर डिवाइड बाय m प्लस n, ये आपको बुक में भी दी हुई है मीन की फॉर्मूला। और वेरियंस की फॉर्मूला है एम एन आर इंटू एम प्लस एन माइनस आर डिवाइड बाय m प्लस एन माइनस वन इंटू एम प्लस एन होल स्क्वायर। सो ये हाइपर ज्योमेट्रिक के कुछ आपको फॉर्मूला दिए हुए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें सम्स कैसे करने हैं। सो हाइपर के सम्स आपको ये रहे सेक्शन बी में दिए हुए हैं। सो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, आपने आगे पेज छोड़े होंगे फॉर्मूला के लिए, वहाँ पर नोट डाउन करोगे और हम आगे सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन वन तो थियरी है, क्वेश्चन टू करवा रहा हूं। देर आर फाइव रेड एंड सेवन व्हाइट बॉल्स इन एन ऑन। एक बैग में फाइव रेड बॉल्स हैं एंड सेवन व्हाइट बॉल्स हैं। Four balls are taken one after the other from it. Four balls निकालने हैं एक एक करके। Find the probabilities of getting two white and two red balls. हमें ये देखना है कि two white and two red ball की probability क्या होगी। Now red में से two balls लेने हैं तो हम इसे लिखेंगे 5C2। कॉम्बिनेशन जो आप 11th में सीख कर आए हो, 12th में सीख कर आए हो, FY और SY में आपने सीखा था, सो 5C2 इंटू टू वाइट बॉल्स होने चाहिए, दैट मीन्स 7C2। फिर से समझिए कैसे किया। मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है टू वाइट एंड टू रेड बॉल्स, ये हमें क्वेश्चन में किया गया है। सो रेड 5 हैं, उसमें से टू सिलेक्ट करने हैं, तो जब भी सिलेक्शन वर्ड यूज़ होता है हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं 5C2। फाइव में से टू लेने हैं,
टू वाइट बॉल्स लेने हैं, सो 7C2 डिवाइड बाय 5 + 7 दैट मीन्स 12C4 5C2 इंटू 7C2 डिवाइड बाय 12C4। अब अगर आपको ये याद हो कैसे सॉल्व किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, होपफुली सभी को याद होगा क्योंकि ये तो एवरी ईयर आता है आपके पास। NCR के लिए फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल एंड N माइनस R फैक्टोरियल। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है 5C2 की, सो 5C2 इज इक्वल्स टू 5 की जो जगह है वो n की जगह है, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ये 3 टू 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 10। तो ये 5C2 का वैल्यू कैलकुलेट करना। दूसरा आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट क्या होगा ध्यान से समझना, शॉर्टकट को न्यूमरेटर में 5 लिख दो, डिनोमिनेटर में 2 लिख दो, ये जो वर्ड ये जो n की वैल्यू है वो न्यूमरेटर में, जो r की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर को जो r का नंबर है उतनी बार एक्सपांड करना है, r का नंबर क्या है 2, सो 5 इंटू 4 लोअर साइड 2 नंबर लिखने हैं, एक 5 दूसरा 4, और यहाँ पर जो भी वैल्यू हो उसे 1 तक एक्सपांड करना है, उसे 1 तक ले जाएंगे। तो देखिए 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड बाय 2 आंसर 10 ही आएगा, सो 5C2 वैल्यू होगा 10, 7C2 तो 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया 21, 12C4, सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आएगा 495। मैंने कैसे किया डायरेक्ट, ये आपको शॉर्टकट मेथड फिर से समझा रहा हूँ। मुझे कैलकुलेट करना है 12C4, तो मैंने आपको क्या बताया, न्यूमरेटर में 12 लिख दो, डिनोमिनेटर में 4 लिख दो, न्यूमरेटर में 12 डिनोमिनेटर में 4, जो न्यूमरेटर है उसे इस नंबर से लेकर 4 बार एक्सपांड करना है, 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है, सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 4 टाइम्स लोअर साइड एक्सपांड करना है, और ये जो r की वैल्यू है इसे 1 तक ले जाना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो डिनोमिनेटर को 1 तक एक्सपांड करना है, न्यूमरेटर को जितनी बार डिनोमिनेटर का वैल्यू है उतनी बार एक्सपांड करना है, सो आंसर आ जाएगा 495, ये आंसर आ जाएगा 495। सो 10 इंटू 21 डिवाइड बाय 495। अब हमें कुछ कैंसलेशन करने पड़ेंगे, कुछ कैंसलेशन हम कर सकते हैं, मैं पेंसिल से करके दिखाऊंगा आपको क्योंकि मुझे ऐसे कैंसलेशन करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर 5 का टेबल लगाएंगे, 5 2 10 एंड 495 डिवाइड बाय 5 तो आंसर आ जाएगा 99। अब हम 3 की टेबल लगाएंगे, सो 3 7 21 एंड 33, सो फाइनली जो आंसर आया वो हो गया 7 × 2 14 / 33।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट सम दिया हुआ था वो है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था 2 white and 2 red balls. सो ये इसका आंसर है। होपफुली आपको ये पेंसिल से वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ 2 लिखा है मैंने, ये 7 है और ये 99 and 33। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट जो पूछा गया था। ये मैंने फर्स्ट सम में करवाया, अब आगे ये मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि अब आप TY में हो और आपको डायरेक्ट आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इसी में इसी सम में एक और पॉइंट पूछी हुई है, सेकंड पॉइंट, ऑल बॉल्स ऑफ द सेम कलर, सारे बॉल्स सेम कलर के होने चाहिए। सारे बॉल सेम कलर के होने चाहिए, दैट मीन्स 4 के 4 बॉल्स वाइट होने चाहिए या रेड होने चाहिए। नाउ रेड अगर 4 होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 5C4। अगर चारों बॉल रेड हो गए तो वाइट तो निकलेगा ही नहीं। सो वाइट नहीं निकलेगा तो 7C0 डिवाइड बाय 12C4, आइदर दिस और मीन्स प्लस। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रेड का 0 निकल जाए और सारे के सारे वाइट बॉल्स निकल जाए। मीन्स वाइट 7 है, 7 में से 4 निकले, रेड में से 0 निकला एंड डिवाइड बाय 12C4। नाउ 5 की वैल्यू 5C4, 5, 7C0, 1 एंड 12C4 ऑलरेडी हम यहाँ कैलकुलेट करके आए हैं, 12C4 495 वैल्यू होगी। और नाउ 5C0 वैल्यू होगी 1 इंटू 7C4, दैट मीन 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, 35, 495। सो नाउ 5 into 1, 5 डिवाइड बाई 495 प्लस 35 डिवाइड बाय 495, सो 40 डिवाइड बाय 495। 5 का टेबल लगाएंगे, सो 5 का टेबल 8 5 40 और यहाँ पर 5 का टेबल लगाएंगे तो 99। सो ये है देखिए हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर आपको बहुत सारी फार्मूलाज दी हुई हैं। ये है आपने जो 11th में कॉम्बिनेशन किया है, FISY में कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है वो सम। सो यहाँ पर आज हमने इंट्रोडक्शन देखा और इंट्रोडक्शन के साथ हमने एक सम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। सो आप पहले फार्मूलाज लिखेंगे देन क्वेश्चन 2 नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, यहाँ पर ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ।